आज हम लोग देखते हैं बाउचर एमाट ग्लास ग्लास कंटेनर डिफेक्ट्स वाजेस अंडर इमेडिज टेबल ऑफ कंटेंट्स टेबल द एग्जामिनेशन ऑफ ए कंटेनर द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए कंटेनर टाइप्स ऑफ कंटेनर हाउ टू रीड ए कंटेनर फॉर्मिंग प्रोसेसेस मेन टाइप ऑफ सीलिंग सिस्टम्स सजेशंस फॉर रिमेडिंग कंटेनर डिफेक्ट्स डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड फिनिश में क्या क्या डिफेक्ट आता है एक बॉटल में बेंड और चोकेड फिनिश ब्लिस्टर्स ऑल्सो साइड वॉल एंड बेस भी आता है ब्रोकन फिनिश बल्जेड फिनिश होता है चेक्ड फिनिश और फिनिश टीयर चेक्स अंडर फिनिश चिप्ड फिनिश कॉर्केज चेक और टीयर क्रेजल्ड फिनिश डर्टी और रफ फिनिश नेकरिंग सिम ऑफसेट फिनिश आउट ऑफ राउंड एंड ऑफ गेज फिनिशेस ओवर प्रेस और वेयरेज सीड्स ऑल्सो साइड वॉल एंड बेस दोनों में आता है साइड वॉल मतलब बड़ी बेस मतलब बटन ये दोनों में सीड्स भी आता है और फिनिश में भी आता है सीड्स फर्नेस प्रॉब्लम है स्प्लिट फिनिश ऑल्सो साइड वॉल बेस भी आता है ये था हमारा फिनिश डिफेक्ट और स्टोन्स भी आता है फिनिश में और स्टोन कहीं भी आ सकता है बॉडी में और बॉटम में शोल्डर में टीयर अंडर फिनिश अनफिल्ड फिनिश ओके ये था फिनिश डिफेक्ट अब आते हैं बारी नेक डिफेक्ट बेंट नेक चोकेट नेक और बोर चोकेट बोर ड्यानी नेक और टीयर ऑन नेक डार्टी नेक हॉलो फिनिश ऑन नेक लॉन्ग नेक पिंचेड नेक सीम ऑन नेक्रिम पार्टिंग लाइन स्टक ग्लास पार्टिकल्स ऑल्सो साइड वॉल एंड बेस में भी आता है स्टक ग्लास पार्टिकल्स नेक में भी आता है साइड वॉल में भी आता है बेस में भी आता है अब आते हैं शोल्डर डिफेक्ट की तरफ शोल्डर चेक्स ऑन टीयर्स सनकेन शोल्डर्स थिन शोल्डर्स अब आते हैं साइड वॉल एंड बॉडी डिफेक्ट्स के ऊपर में बार्ड केज और बार्ड स्विंग जो कि क्रिटिकल डिफेक्ट है ब्लैक स्पॉट्स ऑल्सो बेस में भी आता है ये ब्लैक स्पॉट्स ब्लैंक एंड ब्लो मोल्ड सीम आता है बॉडी में ब्रूइज चेक्स ब्रश मार्क्स बल्जेड साइड कोल्ड मोल्ड बॉडी में आता है कोल्ड मोल्ड और डैटी वेयर ऑल्सो बेस में भी आता है ड्रैग मार्क हॉट और पैनल चेक लैप मार्क और रिंकल्स बॉडी में आता है लेटर चेक आता है लोडिंग मार्क आता है ऑयल मार्क ऑल्सो बेस प्रेशर चेक्स स्पाइक्स स्ट्रिंजी ग्लास सनकेन साइड्स थिन वेयर वाशबोर्ड ये था बॉडी का डिफेक्ट साइड वॉल का बेस एंड बॉटम डिफेक्ट्स पढ़ते हैं बफल मार्क्स बेस लिनर और रकर बॉटम बेस स्पाइक्स बॉटम और बेस चेक फ्लेंजेड बॉटम शियर मार्क्स स्विंग बफल थिक और हेवी बॉटम थिन बॉटम वेज और स्लॉज बॉटम और हील टैप अदर डिफेक्ट में ब्रोकन वेयर कॉर्ड्स आउट ऑफ शेप वेयर और लिनर स्टॉक वेयर ऑन इवेन और बैड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिनेशन ऑफ ए कंटेनर ए गुड कंटेनर इज ए कंटेनर दैट विल गो थ्रू द कस्टमर्स फिलिंग लाइन विदाउट कॉजिंग एनी डिफिकल्टी एंड विल कैरी हिज प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर देयरफॉर इट इज इसेंशियल दैट बिफोर ए कंटेनर इज रिलीज्ड फॉर सेल फ्रॉम द ग्लास प्लांट इट सक्सेसफुली पासेस एन इंस्पेक्शन विथ स्टैंडर्ड्स सेट टू मीट द कस्टमर्स नीड्स देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100 डिफेक्ट्स व्हिच कैन डेवलप इन द कंटेनर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटर फॉर एग्जाम्पल्स स्टोन्स बट बाय फार द लार्जेस्ट नंबर अकर आइदर इन द फीडर और मशीन ऑपरेशन इट इज इम्पोर्टेंट दैट ऑल प्रोडक्शन पर्सनल लर्न टू रिकॉग्नाइज द डिफेक्ट्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट रिमेडीज
to use in order to eliminate them. When a glass container fails on the customer's filling line because of a manufacturing defect, the reputator of glass suffers, which result in a loss of a customer's goodwill. ठीक है फ्रेंड्स, तो बॉटल की जो पार्ट्स है, वेरियस पार्ट्स है, उसको देख लेते हैं. एक तो बोर हो गया, ये देखिए फिगर में सीधा सीधा लिखा गया है बोर. अब बोर क्या है? बोर मतलब पूरा फिनिश पोर्शन में यह आता है, पूरा फिनिश जो है फिनिश में आता है, ये बोर आता है. फिनिश को फिनिश किसको बोलते हैं? दिस इज द टॉप ऑफ द कंटेनर अबव द नेकरिंग पार्टिंग लाइन. नेकरिंग पार्टिंग लाइन के ऊपर में जो टॉप सरफेस है उसको फिनिश बोलते हैं. इट इंक्लूड्स सीलिंग सरफेस. ओके, सीलिंग सरफेस, बोर मतलब जो अंदर है उसको डेप्थ है, बोर, बीड और कोलर रिंग, ये तीनों पार्ट को पकड़ के फिनिश बनता है. फिनिश में तीन पार्ट है, सीलिंग सरफेस, बोर, बीड और कोलर रिंग. द सीलिंग डिवाइस इज इन द फिनिश, सी नेक्स्ट सेक्शन. ऑल्सो द बोर और माउथ फॉर फिलिंग एंड एम्प्टिंग. द बीड और कोलर इज यूज टू असिस्ट इन ट्रांसफरिंग द प्यारिजन इन टू द ब्लो मोल्ड. ओके, अब नेक्स्ट आता है नेक. द पैच व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम द पार्टिंग लाइन टू द कर्व एट द बेस ऑफ द नेक. नेक किसको बोलते हैं? इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है. द पार्ट व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम द पार्टिंग लाइन है, जो पार्टिंग लाइन है उसको बढ़ा रहा है, ठीक है. मतलब कि ठीक फिनिश पोर्शन के नीचे है वो. शोल्डर, दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द नेक टू द स्ट्रेट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है. इसको कर्व बनाता है, बॉडी रू जो नेक तक कर्व पार्ट है उसको शोल्डर बोलते हैं. बॉडी, बॉडी किसको बोलते हैं? द मेन पार्ट ऑफ द कंटेनर व्हिच होल्ड्स द प्रोडक्ट. ये जो मेन पार्ट है, जो कंटेनर जो कि प्रोडक्ट को पकड़ के रखता है, उसको बॉडी बोलते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द कंटेनर व्हिच होल्ड्स द प्रोडक्ट. बॉटम, बॉटम में, बॉटम द पार्ट ऑफ द कंटेनर ऑन व्हिच इट स्टैंड्स व्हेन अपराइट. जब ये खड़ा होता है तो किसके सहारे में खड़ा होता है बॉटल? बॉटम की मतलब कि नीचे वाला पोर्शन जो है बॉटम बोलते हैं. इन स्वीप हिल, हिल किसको बोलते हैं? जो कर्व पार्ट है बॉडी और बॉटम का, ठीक है. द कर्व बिटवीन बॉडी एंड बॉटम व्हिच हेल्प्स टू इम्प्रूव ग्लास डिस्ट्रीब्यूशन एंड द स्ट्रेंथ. ओके, पुशअप और एक मेन पार्ट है फ्रेंड्स. पुशअप, पुशअप किसको बोलते हैं? पुशअप बोलते हैं द सेंटर ऑफ द बॉटम, बॉटम की जो सेंटर है उसको. व्हिच इज रेज्ड अप टू प्रोवाइड ए फ्लैट सरफेस ऑन द आउटर एज ऑफ द बॉटम दस प्रोवाइड फार्म सिटिंग, ठीक है. जो उठा ऊपर से उठा हुआ है इन स्वीप हील तक, ठीक है, हील की डायमीटर पे उठा हुआ है बॉटम की सेंटर से बिल्कुल, तो उसको जो है पुशअप बोलते हैं. अगर पुशअप जो अगर पूरा फ्लैट हो जाएगा तो उसमें चेक्स आ सकता है, क्योंकि वो बॉटल फार्मिंग प्रोसेस में कन्वेयर बेल्ट दे के जाता है, मेन कन्वेयर दे के जाता है, क्रस कन्वेयर दे के जाता है और लेहर में दे के जाता है, तो लेहर में वो क्रैक्स आ सकता है. इसलिए जो है वहाँ पर जो है उसको पुशअप को थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है ऊपर किया जाता है. तो आप लोगों ने देख ही लिया बॉटल में मेनली कितना पार्ट्स है, ठीक है. और फिनिश में क्या क्या जाता है? बोर जाता है, सीलिंग सरफेस जाता है, बीड और कोलर रिंग जाता है. नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों नेक. नेक पर नेक किसको बोलते हैं आप समझ लिया. उसके बाद में शोल्डर, उसके बाद में बॉडी, ठीक है. अब शोल्डर और बॉडी के जो कर्व लाइन है जहाँ से स्टार्ट होता है उसको अपर कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है. तो फिनिश हो गया, शोल्डर, नेक हो गया, शोल्डर हो गया, बॉडी हो गया, चार हो गया. उसके बाद में बॉटम हो गया, ये पांच हो गया. इन स्वीप हील हो गया, छः हो गया. पुशअप सात हो गया, ठीक है. तो फ्रेंड्स, बॉटल के बारे में तो आपने देख लिया. चलिए रखते हैं, बाय एंड टेक केयर.